मुझे बताइए सर, मैं तो यहाँ लगातार सिलसिला गिना रही हूँ, 22, 23, 24, ये पहली बार नींद खुल रही है सर कांग्रेस पार्टी की कि एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी जाए, या ये खाना पूर्ति है? क्योंकि लगातार आज सुबह से एबीपी न्यूज पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए कैसे नेताओं की मिली भगत है, पक्षों या विपक्ष, राम रहीम के मुद्दे पर सब मौन। अभय दुबे जी, रोमाना जी, बहुत मासूम, नादान और भोले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ना कितनी मासूमियत, भोलापन है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के चेहरे पर। 11 बार 4 साल में पैरोल मिली है, 11 बार, और 8 बार मोदी जी ने ठीक चुनाव के पहले कृपा की, क्योंकि राम रहीम के भरोसे ही है। काम तो किया नहीं हरियाणा में, काम करते अगर देश में तो इनको ये हालात नहीं देखने पड़ते। ये सिर्फ हरियाणा का प्रश्न नहीं है, गुजरात जाइए आप, गुजरात में एक मासूम बिल्किस बानो 11 लोगों ने बलात्कार किया था। अगर अगर बिल्किस बानो पर चले जाएंगे ना, फिर आज का मुद्दा जो है वो कहीं भटक जाएगा। आपने जिस मासूमियत के साथ यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक के बयान का जिक्र किया सर, मैं उसी मासूमियत के साथ एक और सवाल आपके सामने रखती हूँ सर। आप लोग तो बीजेपी की जो कमी होती है सर, जो खामी होती है, उसको फौरन लपक कर चुनावी मंचों से भुनाना भूलते नहीं है, है ना? कोई भी मंच आ जाए, बिल्किस बानो का आप लोग जिक्र करना नहीं भूलते हैं, जैसे अभी यहाँ पर भी आप करने लगे थे। मुझे इतना बता दीजिए सर, ये हरियाणा में आपके सारे बड़े नेता घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी भी घूम रही है सर वहां पर, वो बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात भी करती है सर, एक बार चुनावी मंच से आपके किसी नेता ने राम रहीम पैरोल की आलोचना क्यों नहीं की सर? मैंने इसीलिए सवाल ये पूछा कि ये चिट्ठी सिर्फ खाना पूर्ति है क्या? चुनावी मंच पर सर आप में से कोई नहीं बोल रहा है, आपके सब नेताओं के होंठ सिले हुए हैं सर, क्यों? आपका हो गया वो प्रवचन, तो मैं प्रारंभ करूं? मेरा सवाल प्रवचन लगेगा सर आपको, विशेष है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नाम ले लिया ना, कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ नहीं नहीं, दे लीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप दीजिए। देखिए, या तो फिर सवाल खड़ा मत कीजिए, अगर सवाल खड़ा कर रही है तो सुनने का साहस देश की जनता को भी सुनने तो दीजिए। क्या खेल खेला इन्होंने? क्यों राज्य सरकार ने इलेक्शन कमीशन को, ये चुनाव आयोग को दिया, चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाली, चुनाव आयोग ने फिर राज्य सरकार को कहा कि आप जस्टिफिकेशन तो दीजिए कि क्यों छोड़ना है। इतना मासूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहती साहब उनके परिवार के लोग बहुत अस्वस्थ हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ, 273 दिन की टोटल पेरोल मिली है इनको। और यही नहीं, वो एक हरियाणा की बेटी चुनाव मैदान में है, प्रधानमंत्री जी को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरी है, ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने कितने अपनी सत्ता की सरपरस्ती में ऐसे लोगों को शरण दी है, ये देश को जानना चाहिए आज। दर्शक भी हमारे तो हम मुखरता से हर मंच पर बात करेंगे। राम रहीम का नाम मैंने तो नहीं सुना सर आपकी किसी भी पार्टी के नेता से, मैंने तो किसी चुनावी मंच से कांग्रेस पार्टी के राम रहीम का नाम नहीं सुना। क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं बीजेपी पर? जिस तरीके से हरियाणा की पहलवान बेटियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी कह रही है हम डटे हुए हैं मैदान में, तो सर वो दो दो साध्वियां थी जिनके साथ बलात्कार का ये दोषी है, और इसे पैरोल दर पैरोल दर पैरोल चुनावी मौसम में इसके लिए जो बाहर आ रही है सर, फिर तो आरोप लगेंगे ना कि आप सब मिले हुए हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, चिट्ठी खाना पूर्ति है, चुनावी मंच से राम रहीम पर कुछ नहीं बोलेंगे। हत्या का भी आरोप है, वो भूल गई आप, सिर्फ बलात्कार का आरोप नहीं है, हत्या का भी आरोप है जिनमें सजा हुई है। मैं आज देश के सामने भारतीय जनता पार्टी बेनकाब भी है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के, ये सवाल तो आपको प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था, अमित शाह साहब से पूछना चाहिए था। चुनाव नहीं जीत रहे हैं हरियाणा में, लोग अपेक्षा, लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे थे कि जिस प्रकार 9 साल बाद खट्टर साहब को हटाया, वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि काश प्रधानमंत्री की एक भी सभा ना हो। जैसे जैसे सभा हो रही है प्रधानमंत्री जी की हरियाणा में, ये हार की कगार की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। इनके पाप यही नहीं रुकते हैं, किसानों ने फसलों के दाम मांगे तो जीप चढ़ा दी इन लोगों ने, शुभकरण के सिर में गोली मार दी हरियाणा में, हरियाणा के SDM को कहा खट्टर साहब ने कि लहू लुहान कर देना, एक कदम आगे बढ़ाए, और करनाल में सिर फोड़कर उनका खून बहा दिया। प्रधानमंत्री जी इतने जख्म दिए हरियाणा में कि चुनाव जीतना तो दूर, ये तो गनीमत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये कोई कांग्रेस नहीं, जनता वहां लड़ रही चुनाव इनके खिलाफ, इनको घुसने नहीं दे रही अपने क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हरियाणा में परास्त हो गई। आज आप कह रहे हैं कि साहब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जा रहे हैं तो बीजेपी का हार नाते है। बीजेपी की तरफ से विज्ञापन जारी करके कहा गया है कि राहुल आ गया ना मतलब अब बीजेपी पक्का जीत जाएगी, वो ये कह रहे हैं। खैर 8 अक्टूबर का इंतजार करते हैं सर, देखते हैं क्या नतीजे रहते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर अजय आलोक, अब सवाल ये कि वो 24 वाला फॉर्मूला जो कांग्रेस के लिए काम कर गया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी वही फॉर्मूला राहुल गांधी अपना रहे हैं। एक तो देखिए वो यात्रा, उनकी पैदल यात्रा, वो हरियाणा में कर रहे हैं और देख रहे हैं ना कैसे अपनी चुनावी सभाओं में फिर से वो लाल रंग की छोटी सी संविधान वाली किताब, उसी की दुहाई देकर वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कांग्रेस का। वही तो मैं आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला था कि संविधान को भूल गए क्या, जो पेरोल पे आज चुनाव है, कुछ चिट्ठी लिख रहे हैं लेकिन उसके बारे में बोलते नहीं है। दरअसल आपने कुछ बोला तो वो आपको बोल दिया कि प्रवचन देना आपका बंद हो गया। सवाल क्या है कि राहुल गांधी की तरह तमाम कांग्रेसी डिस्टर्ब हो गए हैं रुमाना जी, सवाल आजकल मत कीजिए, वो परेशान हो जाते हैं। जब से नसरुल्ला की मौत हुई, हमास तबाह हुआ ना, तो कांग्रेसी बहुत परेशान होने लगे, उनसे सवाल वाल मत अदा कीजिए, वो सवाल सुनते ही सवाल लेना ही नहीं चाहते हैं। जहां तक रही हरियाणा चुनाव की बात, 8 अक्टूबर को जिस तरह से देश में तीसरी बार मोदी 3 बनी, उसी तरह से बीजेपी 3 बनेगी हरियाणा में, ये बात कांग्रेसी भी जान चुके हैं। हुड्डा जी माथा पीट रहे हैं कि भैया पड़ गए संतन के पांव, अब क्या होगा। तो संतन के पांव पड़े, हम तो यही चाहते थे संतन के पांव पड़े हरियाणा में, घूमे जरा संत महोदय हरियाणा में। मैं आपको जहां बात कहूंगी सर, जो मैंने अभय जी को कही कि उसके लिए तो देखिए अब 8 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा कि कौन से संतन के कहां पांव पड़े और जनता जो है वो किसके सामने नतमस्तक होगी। फिलहाल जल्दी से अभय दुबे जी का रुख करते हैं। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज साफ कह दिया गया कि महात्मा गांधी सत्य के साथ प्रयोग और कांग्रेस पार्टी झूठ के साथ प्रयोग, लेकिन इस बार आपके झूठ के जाल में जनता नहीं फंसने वाली है, ये पीएम कहकर गए हैं हरियाणा पलवल चुनावी रैली में। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी कर लेते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेते हैं, ये जो सिलसिला यही का नहीं है, सब जगह देश भर में फॉर्मूला है प्रधानमंत्री जी का। वहां कश्मीर गए तो इंजीनियर राशिद जिसको इन लोगों ने जेल में बंद किया कि आतंकवादी, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट जस्ट चुनाव के पहले छोड़ा, जमाते इस्लामी आतंकवादी संगठन है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष आशीष उनको है, साथ साथ 8-8 निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा रहा। बात हरियाणा की कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे हरियाणा में आकर बताइए ना, पूछिए। अग्निवीर का जिक्र कर रहे हैं, किस प्रकार युवाओं के सपनों को हरियाणा में रोन दिया उन्होंने, बात कर रहे हैं पहलवान बेटियों की कि न्याय मांगने आई थी, न्याय की गुहार लगाने इनकी विदेश, उसको दिल्ली के दरवाजे पर इन लोगों ने बात क्या करेंगे। हमने तो कहा है 300 यूनिट। आप दोनों की बात जो है वो जनता ने सुन ली है, जनता को फैसला करना है हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग और फिर 8 अक्टूबर नतीजों का दिन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।